क्या हुआ जब एक लड़की ने हैंड वॉश से फेस वॉश कर लिया तो फिर क्या हुआ उसके साथ, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेडिसिप पर मुझे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों एक दिन एक लड़की क्लिनिक पर आती है और उसके चेहरे पर लाल दाने तथा चकत्ते निकले होते हैं, तो मैं इसका कारण पूछता हूँ। तो लड़की बोलती है, भैया मैंने 2 दिन पहले हैंड वॉश को चेहरे पर लगाकर फेस वॉश किया था और तभी से मैं परेशान हूँ। मुझे मेरे चेहरे पर तेज कलकलाहट तथा जलन व चकत्ते निकल रहे हैं। फिर मैंने उस लड़की को बताया कि जो हैंड वॉश होता है फेस वॉश की तुलना में कम पीएच मान होता है, इससे आपकी त्वचा के सूखने की संभावना हो बहुत ज़्यादा रहती है और आपका चेहरा लाल हो सकता है, त्वचा छिल भी सकती है, मुहासे, झुर्रियाँ, सूखे धब्बे और चकत्ते भी निकल सकते हैं। आपको अपनी त्वचा पर एक सौम्य फेस वॉश का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। हैंड वॉश में सोडियम लॉरिक सल्फेट की उच्च मात्रा होती है जो पूरे डिस्टेंस को साफ करती है और इसे हथेलियों के लिए बनाया जाता है, लेकिन आपके चेहरे की त्वचा पतली होती है और रासायनिक नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। आइए इसके उपचार के बारे में जानते हैं। तो ये वीडियो केवल आपकी एजुकेशनल के लिए है। डोंट यूज़ मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर एलर्जी कंडीशन। तो आप जो है इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती ना करें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा का इस्तेमाल करें। बाकी जो है मेरे हिसाब से क्या दवा चलनी चाहिए इस कंडीशन में, तो मैंने दवा प्रिस्क्राइब की है टैबलेट एविल 25 mg में, सुबह शाम एक गोली ले सकते हैं इसको। इसके साथ सेट्रिजिन टैबलेट एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, ओडाक्सिल एंटीबायोटिक 500 mg में या फिर लिंकोमाइसिन 250 mg में, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। और टैबलेट स्टीरोइड में आप जो है ओमनाकार्टिल 5 mg या 10 mg पेशेंट की कंडीशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही क्रीम बेटनोबेटियन या बेटनोबेट सी रात में चेहरे पर लोकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी होने पर स्किन के स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएँ। वीडियो को शेयर करके जागरूक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में सबका साथ सबका विकास, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। Audio Jungle.